आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो वक्त आ गया है कि आप अपना पासपोर्ट बदलवा लें, क्योंकि अब नॉर्मल पासपोर्ट की जगह भारत में बनने वाले हैं ई चिप पासपोर्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक चिप पासपोर्ट। क्या है ये ई चिप पासपोर्ट, कब इसको आपको बनवाना होगा और क्या फीचर्स होंगे इसके, बता रहे हैं आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूँ श्रुति शर्मा। तो इंडियन सिटीजन जो भारतीय निवासी है, अब उनको बनवाना पड़ेगा ई चिप पासपोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, क्योंकि आपके जो भी पुराने पासपोर्ट हैं वो बहुत ही जल्द अब वॉइड हो जाएंगे, यानी आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जब भी आप एयरपोर्ट जाएंगे आपको जरूरत पड़ेगी ई चिप पासपोर्ट की। आपको बता दें कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने प्रपोज किया है कि भारत में अब ई पासपोर्ट बनवाने चाहिए, और उसका कारण है पासपोर्ट की सिक्योरिटी। जी हाँ, जो सिक्योरिटी है वो पासपोर्ट में वो और पुख्ता हो जाएगी अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप फिट होगा। किस तरह का होगा ये ई चिप पासपोर्ट, अभी आपको बताते हैं। कुछ इस तरह का होगा आपका ई चिप पासपोर्ट। जी हाँ, एक नॉर्मल पासपोर्ट जो फिलहाल आपके पास है उसमें अब एक चिप लग जाएगी, इस तरह की होगी ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप, और इस इलेक्ट्रॉनिक चिप में 64 किलोबाइट का डेटा सेव किया जा सकता है। इसमें वही डेटा होगा जिसमें आपका नाम, आपका पता और डेट ऑफ बर्थ और बाकी सभी जानकारी इस चिप के जरिए मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि इस ई चिप में 64 किलोबाइट का डेटा आएगा, और इसमें ये भी जानकारी होगी कि आपने 30 ट्रिप जो हैं अभी तक के इंटरनेशनल कहां कहां लगाए हैं, तो इसमें डेटा भी आपका काफी सिक्योर होएगा और इसी चिप के द्वारा रीड किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये ई पासपोर्ट जो है, ई चिप वाला पासपोर्ट, इसमें यूनिवर्सल लोगो होगा ई पासपोर्ट का, लैमिनेटेड प्रोटेक्टिव लेयर होगी, साथ ही ये जो ई चिप है एम्बेडेड होगी पासपोर्ट के कवर पर ही, जिसमें डिटेल्स होगी उस पासपोर्ट होल्डर की। चिप में फिंगरप्रिंट सेंसर पहले से ही आपका जो स्कैन हुआ है वो होगा, साथ ही आयरिस आई स्कैन भी हो सकता है जिसमें रेटिनल इमेज होगी जो कि सभी लोगों की एक ही इमेज होती है। साथ ही ये पोस्टेड स्टैम्प साइज जितना, एक स्टैम्प जो होता है उसके जितना होगा चिप। ई चिप में एंटेना भी होगा जिसके जरिए पूरा जो आपका डेटा है वो बहुत ही सेकंड्स में रीड किया जा सकता है। अब इसमें होगा ये, जब आप इमिग्रेशन के लिए खड़े होंगे और जैसे ही चिप स्वाइप होगी आपका जो डेटा है सेकंड्स में दिख जाएगा उनको अपने कंप्यूटर में। सो इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, इमिग्रेशन की लंबी लाइन नहीं लगेगी, सब कुछ स्कैन होगा, ऑटोमेटिक होगा, कंप्यूटराइज होगा, तो इसमें जो सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी पुख्ता होगी। अब ई चिप है तो जाहिर सी बात है इसे आप एक तरह से वाइप नहीं कर सकते इसमें से इंफॉर्मेशन। दूसरे ये कि जो सिक्योरिटी है वो और पुख्ता हो जाती है क्योंकि इस ई चिप का डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, साथ ही फेक पासपोर्ट भी अब इससे नहीं बन सकते हैं, और अगर किसी भी तरह की छेड़छाड़ होगी इस ई चिप से तो ये चलना बंद हो जाएगी और जो ई चिप है वो एकदम क्लोज हो जाएगी। यानी आपके पासपोर्ट से किसी ने छेड़छाड़ करी और कुछ फेक पासपोर्ट बनाने की कोशिश करी, डुप्लीकेशन करी, तो ये ई चिप अपने आप चलना बंद हो जाएगी। और आपको बता दें कि ई चिप वाले पासपोर्ट है 120 देशों में ऑलरेडी लागू हो चुके हैं, उनके पासपोर्ट में ऑलरेडी ई चिप है, जैसे US और UK भी, और अब ये जो सिस्टम है पूरा भारत में भी आ रहा है। ये ई चिप जो है IIT कानपुर, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस यानी ISP और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल के साथ मिलकर बनाया जाएगा। और कब से बनना शुरू होंगे ये ई चिप वाले पासपोर्ट और क्या होगा इसका प्रोसीजर, ये जानना चाहते हैं तो टेक तक को सब्सक्राइब करें। हम आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जल्द लाने वाले हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा, कुछ सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।